नमस्कार दोस्तों, 20 अप्रैल और 20 अप्रैल को एक बार अपने चैनल पे दो स्टॉक के रिगार्डिंग आपको अपडेट पहुंचानी काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। पहला HEG हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक ग्रेफाइट और दूसरा ग्रेफाइट इंडिया। ये दोनों ही स्टॉक कंटिन्यूसली अपर सर्किट्स लगाते जा रहे हैं। क्या बातें हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे। मैं पिछले कुछ दिनों से इसकी डिटेल्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था बट कहीं से भी कोई चीज़ नहीं मिल पा रही थी, इसलिए मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था। मैं वीडियोस तभी अपलोड करता हूं जब हमें श्योर कंफर्मेशन कुछ अपडेट्स आती है। तब कल 17 अप्रैल को कुछ अपडेट्स आए हैं कंपनी की तरफ से, वो मैं दिखाऊँगा। साथ ही अपने कुछ चीज़ों को इंक्लूड करूँगा कि इस स्टॉक पेपर सर्किट क्यों लग रहा। लेकिन सबसे पहले HEG के बारे जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं आपको एक चार्ट का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। देखिए, ये स्टॉक 100-150 रुपये का हुआ करता था और इस स्टॉक ने जो कमाल किया है वो शायद अभी तक आपने किसी भी स्टॉक पे नहीं देखा होगा। इतनी वर्टिकल, इतनी हॉरिजॉन्टल मूव दिख रही थी इस कंपनी पे। आप देख रहे हैं सिर्फ 100-200 रुपये पे हुआ करता था स्टॉक, लेकिन 2017-18 पे आते आते इस स्टॉक ने 5000 का हाई बनाया। एकदम सॉलिड अपमूव आप इसे कह सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि 2017 के जून में ये 273 का था और फिर 2018 के अगस्त आते आते ये 5000 तक पहुंच गया। तो इस स्टॉक की खास बात ये है कि द कंपनी इज एमोंगेस्ट द लीडिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। द कंपनी इज ओन्स वन ऑफ द जो इनका ग्रेफाइट है वो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का बनाती है। और ये जो ग्रेफाइट बनाती है ये इनका जो प्लांट है वो साउथ ईस्ट एशिया पे मौजूद है और मोर देन 80% ऑफ इट्स प्रोडक्शन 25 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग USA, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया। इन सभी कंट्रीज़ में मोर देन 80% माल इनका बाहर जाता है। मोर देन 80% इनकी जो प्रोडक्शन है इसका 80% माल कहाँ जाता है, बाहर जाता है। कौन कौन से देश? USA, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अभी मैं इंक्लूडिंग करूँगा अपनी थॉट्स। ग्रेफाइट इंडिया, ग्रेफाइट इंडिया में भी अपर सर्किट लगा है। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख पा रहे हैं ग्रेफाइट इंडिया पे भी अपर सर्किट लगा है। क्यों ना लगे, ग्रेफाइट इंडिया भी सेम कंपनी है, वही प्रोडक्शन करती है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड ही बनाती है। तो जब जब HEG चलेगा तब तब ये ग्रेफाइट इंडिया भी चलेगा। इस स्टॉक की भी सेम कहानी है, 2017-18 पे उसी टाइम पे ये स्टॉक भी चला जिस समय HEG चल रहा था। बिकॉज ऑफ मैंने इस पे डिटेल्स वीडियो एक बनाई थी बट उतनी डिटेल्स नहीं थी। मैं इंडिविजुअली दोनों ही स्टॉक पे आपको डिटेल्स वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जिस पे सारी चीज़ें जानकारियाँ मौजूद होगी। अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिए। आप नहीं भी करेंगे फिर भी मैं अपलोड करूँगा, बट आपके कमेंट आने से इच्छाएँ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है और काफ़ी मेहनत करने का मन करता। ग्रेफाइट इंडिया का भी काम सेम है बट ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के साथ साथ एनोड और अदर मिसलेनियस कार्बन एंड ग्रेफाइट प्रोडक्ट्स भी बनाती है कंपनी। तो कंपनी दोनों ही अपर सर्किट क्यों लगा रही है इसके बारे में जब मैंने पता करना शुरू किया तो मेरे हाथ दो कॉपी लगी। मैं दोनों कॉपी एक एक करके आपके पास दिखाने की कोशिश करूँगा, वीडियो पर बने रहें। देखिए, एक कॉपी HEG का है। HEG ने BSE को ये कॉपी सबमिट की है और इसमें क्लैरिफिकेशन क्या दिया है कि प्राइस मोमेंटम जो अभी हाल फिलहाल पे प्राइस मोमेंटम हो रही है स्टॉक की, क्योंकि 463 रुपये से ये स्टॉक 50% चल चुका है, 800 रुपये तक चला गया है। तो ये स्टॉक पे जो प्राइस मोमेंटम हो रही है इसके बारे में कंपनी को क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है एक्सचेंजेस को। तो इन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया है। क्या दिया है? इन दिस रिगार्ड वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट अपार्ट फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन एंड वेरियस मैटर्स ऑलरेडी शेयर्ड विद द स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, देयर इज़ नो फर्दर इन्फॉर्मेशन अनाउंस्ड विच आर रिक्वायर्ड टू बी शेयर्ड विद द स्टॉक एक्सचेंज एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज़ नॉट विथहेल्ड एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन इवेंट विच मे हैव ब्रिंग ऑन अ प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। वी
आर ऑफ द व्यू दैट द प्राइस बिहेवियर ऑफ द स्क्रिप इज़ ड्रिवन बाय द मार्केट कंडीशन एंड द करंट स्कैनरियो। देखिए, इन्होंने जो एक्सचेंजेस को कॉपी प्रोवाइड की है, इसमें इन्होंने यही चीज़ कहा है कि अभी जो स्टॉक की प्राइस मोमेंटम है, इस पर हमारा किसी तरह की कोई न्यूज़ ना कोई अपडेट, किसी तरह का कुछ भी नहीं दिखाया गया है। बट ये प्राइस मोमेंटम क्यों कर रहा है हमें नहीं पता है। जब तक ये कोई क्लियरेंस अभी नहीं आती है, तब तक मतलब मैनेजमेंट के तरफ से कोई भी न्यूज़ नहीं है जिसके वजह से ये अपर सर्किट लगा रहा है या इसकी प्राइस मोमेंटम हो रही है। साथ ही ग्रेफाइट इंडिया का जब मैंने चेक किया तो ग्रेफाइट इंडिया में भी मुझे कुछ मिला, वो कॉपी भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब मैंने ग्रेफाइट इंडिया का कॉपी डाउनलोड किया तो मुझे ग्रेफाइट इंडिया के तौर और से ये खबर मिली कि जो कंपनी है, द इन्फॉर्म यू दैट द कंपनी हैज स्टार्टेड पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एंड इट्स ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड प्लांट इन सतपुर नासिक महाराष्ट्र इंगेजिंग मिनिमम लेबर मैन पावर आफ्टर ऑब्टेनिंग रिक्वेस्टाइड्स परमिशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटी। द कंपनी इज टेकन एडिक्यूट मेस्योर्स टू द प्रोटेक्ट्स इट्स एम्प्लॉय एंड लेबर। तो इनका जो एक प्लांट था महाराष्ट्र में, वो प्लांट स्टार्ट होने के वजह से इस पर्टिकुलर शेयर पे अपर सर्किट लग रहे हैं। बट HEG पे क्यों लग रहा है इसके बारे में कोई खबर नहीं मिली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इलेक्ट्रोड बनाती है दोनों की दोनों कंपनी, ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड चाइना से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है पूरी कंट्री में, और हमारे इंडिया में यही दो कंपनियां हैं जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाती है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का यूज फर्नेस पे होता है, जितने भी थर्मल प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं जहाँ पे फर्नेस लगा हुआ है वहाँ पे ये इक्विपमेंट यूज होता है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। ठीक है, इससे इमिशन बहुत ज़्यादा मात्रा में कंट्रोल होता है और हमारे इंडिया पे ये बहुत कम यूज होता है इन कंपेरिजन टू इंटरनेशनल मार्केट। तो चीन से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। बट मैंने जो कंपनियों की जिन कंट्रियों की नाम ली थी जहाँ पे HEG का 80% माल जाता है, वो था USA, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। तो आप समझ के देखिए, आप हमें कमेंट भी कीजिएगा, बट मैं अपना व्यू रख रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि पूरी की पूरी जो वर्ल्ड है वो चाइना से खपा है और चाइना से आगे आने वाले टाइम में बिजनेसेस कितने अच्छे रहेंगे, बिजनेस रिलेशंस कितने अच्छे रहेंगे सभी कंट्रीज़ का, ये कहना काफ़ी मुश्किल है। तो ये जो माल है ये कहीं ना कहीं HEG से लिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना, मैं गलत भी हो सकता हूँ। और काफ़ी लोग मुझे ऐसा लगता है कि FIIs इस पे पड़ चुके हैं, इस स्टॉक पे FIIs की होल्डिंग पहले भी बहुत अच्छी थी, अभी भी 8% के आसपास में होल्डिंग्स है इस कंपनी पे। HEG की होल्डिंग्स 8% है और शायद 6.5% की हिस्सेदारी FIIs की ग्रेफाइट इंडिया पे है। तो ये दोनों स्टॉक FIIs के पसंद है और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये अपर सर्किट इसी वजह से लग रही है। आपका मानना हो सकता है डिफरेंट, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये मेरे एनालिसिस थी, मेरे हिसाब से मैंने ये कहा, हो सकता मैं गलत भी हो सकता हूँ। बट ग्रेफाइट इंडिया पे अपर सर्किट लगने का रीज़न हमें पता चला, HEG पे नहीं चला। बट दोनों ही कंपनी आगे आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा ग्रोथ करेगी, क्योंकि ये दोनों ही कंपनी एक ऐसे से इक्विपमेंट्स को बनाती है, ऐसे प्रोडक्ट को बनाती है जो अदर कंपनी इंडिया में भी मतलब अवेलेबल नहीं है। चाइना इसका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की, मेरी ये बात याद रखिएगा। आने वाले टाइम में ये वर्ल्ड में पूरा चाइना को रिजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट वहीं से स्टार्ट हुआ और इसकी कोई भी क्लियरेंस चाइना की तरफ से नहीं आई है। ऐसा हो सकता है, ऐसी बहुत सारी बातें हो रही हैं, मैं इसीलिए आपको ये खबर देने के लिए वीडियो कंपोज किया। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो के कंटेंट में कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं कि नहीं आ रही है, हमारे वीडियोज़ की क्वालिटी में चेंजेस आ रही है कि नहीं, हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं और भी सुधार करने की कोशिश करूंगा और आपके पास जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, हमारा एक साल कंप्लीट होने के वजह से मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे चैनल में जिसने हमारे वीडियोस पे लाइक किया, डिसलाइक किया, कमेंट किए, नेगेटिव कमेंट किए, सबों के कोऑपरेशन से ये चैनल खड़ा है और ये आपका चैनल है, हमारा इस पर कुछ भी नहीं है, आप हैं तो हम हैं। इस वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।